गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रथम राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा ने किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हमारी मातृ संस्था का हमारे जीवन के सृजन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मातृ संस्था ही हमारे संपूर्ण जीवन दृष्टि का निर्माता होती है। यहाँ हमारे सामने चार दशकों के छात्र बैठे हैं जिनमें तमाम भिन्नता है, लेकिन इनमें दशकों के अंतर को खत्म करने का काम आज कोई कर रहा है तो इस संस्था द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। आप ज्ञान अर्जित कर एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण कीजिए। उन्होंने पुरातन छात्र सम्मेलन जैसे इस श्रेष्ठ परंपरा को आगे भी जीवंत बनाए रखने का सुझाव दिया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक संजय सिंह, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर विनीता पाठक, प्रोफेसर दिग्विजय नाथ पांडे, डॉक्टर निशा जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुधीर शुक्ला, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह, प्रीति त्रिपाठी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ऋषि राम महानंदा ने कहा, बहुत विनम्र करते हुए हमारे कुल के मुखिया माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करता हूँ या आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द हमारे बाहर से आए हुए जो अतिथि हैं जो है क्या लोग हमारे साथ आए हुए वशिष्ठ अतिथि गोपाल प्रसाद जी, प्रोफेसर राजेश सिंह, अनिता पाठक, निशा जायसवाल जी, हमारे आए हुए अलुमनाई हैं, प्रोफेसर दिग्विजय पांडे जी, धर्मशाला नेहरू पी जी कॉलेज महाराजगंज, श्री कृष्ण जवाहरी सिंह जी, संजय सिंह जी, के पाठक जी, अनुप पांडे जी, सुधीर शुक्ला जी, मधुसूदन जी, अविनाश जी, साहित्य पाठक का आया, ये कुछ पाठक हैं हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, आर्ट्स के बेसिक डिपार्टमेंट में लगभग हर जगह ये मिलेंगे आपको, हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ये डिपार्टमेंट स्पेशल लोकेशन करना जरूरी है। हम लोग ने एक जैसे हमारे अपना जानते होंगे, हम लोग ने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था एक इलेक्शन सर्च का। आप इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है, उसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कितने आपके पास जितने रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपका धन कितना है, आपके पास जो भी है, जिस तरह का पावर है, जिस तरह का सिस्टम है, सब आप लगाना है। और विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी थॉट, तो हमने संजय जी आपको माना चाहूँगा कि दल की स्थापना की और एक हार्वर्ड ग्रेजुएट कर्नल मुकुल सक्सेना है, लेकिन लीडरशिप सेल है हार्वर्ड में, उससे वहाँ से उन्होंने पीछे किया है, तो उन्होंने गाइड किया और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की प्रिडिक्शन 70-80% हमारा सही था, जो भी अपने लोगों ने प्रिडिक्ट किया ये चीज़ का सीएम साहब से शेयर किया और वो बहुत ज़्यादा सही था। बोर्ड में आइए, आप करने का जज्बा होना चाहिए, मेरा सहयोग हमेशा है, नहीं खासकर इसलिए जो हमारे से अगर आप स्टार्ट कर सकें सीरियस यहाँ से उसको ऐसे नहीं हमारा जो चाहे इलेक्शन सर हो
चाहे अल्लाह की पीठ हो। मैं 15 दिन पहले मेरे को पता लगा है कि जो 1 साल से हमारा जो एंटरप्राइज सेल्स का ईमेल अकाउंट है वेबसाइट पे उसको नहीं था, हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस जनरल सेक्रेटरी है, 10-10 मेंबर आ गए, किसी ने खोला ही नहीं। पासवर्ड ढूंढने लगा तो पासवर्ड नहीं मिला, तो उसका पासवर्ड क्रैक करवाया गया। अंदर जाके देखा गया 272 ईमेल आई थी किसी अकाउंट में। मैंने PhD स्टूडेंट्स को लगाया, 8-9 PhD स्टूडेंट्स थे और दिन रात उन्होंने केवल 8 दिन के अंदर 1100 रजिस्ट्रेशन किए। मैं प्रोफेसर ऋषि राम महानंद राजनीति शास्त्र विभाग का अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का संचालक रहा हूँ। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आपका भूतपूर्व छात्र सम्मेलन चल रहा है, इसी कड़ी में एक खंड है जो राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित की गई है। इसमें हमारा जितना भी छात्र हैं उनको आमंत्रित किया गया है और समय को देखते हुए कुछ छात्र आ पाए हैं। इसका जो मुख्य अतिथि की भूमिका पूर्व से हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी का कार्यक्रम तय था, लेकिन वो कोई भी कारणवश आ नहीं पाए। तो हमारे विभाग में प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी हैं जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं। हम लोग उनको आग्रह किए और वो हमारे निवेदन को स्वीकार किए, वो मुख्य अतिथि का भूमिका निर्वाह किए। हमें आशीर्वाद देने के लिए कुलपति जी भी आए थे, वो बहुत प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद भी दिए। और जो भी अल्युमनाइज आए हैं वो अपना अपना जो पूर्व में अनुभव रहा है यह संस्था के साथ, अपने शिक्षक के साथ, वो हमारे बीच आज शेयर कर रहे हैं। और हमें उनको भी अपील कर रहे हैं कि कैसे जिस मातृ संस्था से वह लोग अपने जीवन में किसी न किसी ऊँचाई को प्राप्त किए हैं, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। अपनी ओर से एक नैतिक दायित्व की तरह उनसे आग्रह कर रहे हैं और वो लोग भी प्रसन्नतापूर्वक हमें जो भी सहायता का जरूरत है उसको देने के लिए तैयार हैं। और हमें इस सारे अनुभव को देख करके बहुत खुशी हो रहा है कि ये बहुत बहुत खुशी की पल है कि जब आज हम आज के दिन के विद्यार्थी के साथ अपने पूर्व छात्र भाइयों को जोड़ते हैं और इस विश्वविद्यालय का विभाग का एक भविष्य निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।